हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है चोक। इस मूवी को डायरेक्ट किया अनुराग कश्यप ने और इसमें हमें नजर आती सयामी के, रोशन मैथ्यू और अमृता सुभाष। इस मूवी की ओवरऑल लेंथ है करीब 2 घंटे की। मूवी की कहानी शुरू होती मुंबई से अक्टूबर 2016, जहां पर हमें नजर आती सयामी खेर, जिसका इस मूवी में नाम है सरिता पिल्लई। वो पेशे से एक बैंक एम्प्लॉय है। वही उसके हस्बैंड का यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं रोशन मैथ्यू, जिनका इस मूवी में नाम है सुशांत। वो पेशे से एक म्यूजिशियन है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। वो अपनी बीवी के सर पर बैठे हुए, यानी कि अपने घर पे ही बैठे हुए, और उनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है कि आए दिन उनको कर्जदार के ही कॉल आते हैं। वही सुशांत और सरिता का एक बेटा भी है जिसका नाम है समीर, वो स्कूल में पढ़ता है। खैर, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि सरिता के पास में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो आज भी परेशान है, और उसको ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कभी जीतेगी नहीं, और उनके घर में पैसे की बहुत तंगी है। लेकिन सरिता की जिंदगी में आता ट्विस्ट, वो ट्विस्ट ये है कि एक दिन रात को सरिता के किचन के वॉश बेसिन के पाइप के नीचे सरिता को पैसे मिलना शुरू होते। अब वो किस तरह से मिलते, किसके वो पैसे होते, ये सब कुछ हमें इस मूवी में बहुत ही अच्छे वे में बताया, तो वो आप लोग इस मूवी में ही देख लेना। खैर, अब बात करते हैं इस मूवी में पर्सनली मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो सबसे पहले हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। तो कहानी काफी यूनिक है, और उतना ही यूनिक वे में इस मूवी को प्रेजेंट भी किया है। उसके अलावा इस मूवी में आपको नोटबंदी का वक्त बताया, यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जब नोटबंदी का ऐलान किया था, तो उसके बाद सिचुएशन किस तरह से बुरी हुई थी, और जो गरीब इंसान है उसमें किस तरह से पीस गया था, ये भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताएगा। और साथ साथ उस वक्त कैसे बिजनेसमैन पॉलिटिशियन लोगों ने मिलकर अपने ब्लैक को व्हाइट किया था, वो भी इस मूवी में बहुत ही बिंदास तरीके से बताएगा। साथ साथ ये भी चीज मेंशन की है कि पॉलिटिशियन लोगों को पहले से पता था कि नोटबंदी होने वाली, तो उन लोगों ने बैंक वालों से मिलकर किस तरीके से अपने ब्लैक को व्हाइट किया था, वो बहुत कुछ चीजें यहाँ पर देखने मिली, जो अपने आप में बहुत ही हिम्मत वाली बात है। यानी कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ सरिता पिल्लई और उसकी फैमिली पे फोकस नहीं करती, बल्कि ये और भी मुद्दों पर फोकस करती, जो कि आपको इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया। उसके अलावा इस मूवी के कैरेक्टर्स की बात को, तो आपको स्टार्टिंग के 20 मिनट में आपको सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, ये इस कैरेक्टर की लाइफ में ये चल रहा है, इस कैरेक्टर की लाइफ में ये चल रहा है, तो इसलिए आप पूरी तरह से हर एक कैरेक्टर को समझ लेते हो, और आपको उसके बाद कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आती किसी भी कैरेक्टर को समझने में। इसके अलावा इस मूवी में अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करो, तो यस, इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगी, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ये कहानी सीधी सीधी चलते हुए आ रही है, और आपको बस ये देखना कि अब सरिता की लाइफ में आगे क्या कुछ हो रहा है, और किस तरीके से नोटबंदी का इफेक्ट बाकी और लोगों पे हो रहा है। उसके अलावा इस मूवी की मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगी, काफी यूनिक स्टोरी लेकर इस बार अनुराग कश्यप है, जो कि पर्सनली मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन दूसरे लोगों को मुझे पता नहीं। उसके अलावा मूवी में अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, तो सयामी खेर ने मुझे शॉक कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सयामी खेर इतनी अच्छी एक्ट्रेस है नहीं, लेकिन फाइनली इस मूवी में उसने रीता का रोल निभाया है। मतलब आप एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोच सकते हो भाई वो सयामी खेर है, आपको पूरा वो सरिता पिल्ले ही नजर आती है। उसके अलावा दूसरे और कैरेक्टर जैसे अमृता सुभाष, उसका भी मुझे काफी फनी कैरेक्टर यहाँ पर लग रहा था। ऑल्दो उस तरीके के कैरेक्टर आपको हर सोसाइटी में मिल जाएंगे, यानी कि वो जो टाई का रोल प्ले कर रही है, अब उनकी भी जो लाइफ में सिचुएशन चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं नोटबंदी के टाइम पे ये सारी सिचुएशन ऑलरेडी देख चुके हो, तो ये इस मूवी में देखते हो तो आपको काफी रियल लगता है। उसके अलावा काफी कुछ ऐसी चीजें मैंने इस मूवी में देखा जो पर्सनली मुझे अच्छी लग रही थी। उसके अलावा इस मूवी में अगर सॉन्ग्स की बात करूं, तो सॉन्ग सिचुएशन के हिसाब से अच्छे है, लेकिन इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे, क्योंकि उनकी लिरिक्स ठीक ठाक है, और जो पैसा बोलता है सॉन्ग, अगर वो सॉन्ग अगर आप पुराना एक सॉन्ग था एक पुराना सॉन्ग था काला बाजार मूवी का, अगर उसी सॉन्ग को यूज कर लेते तो ज्यादा बेटर होता, नए सॉन्ग में कुछ इतना खास मजा था नहीं। और ओवरऑल अगर इस मूवी को देखूं, तो इस मूवी की अगर लेंथ 1.5 घंटे की होती तो ये मूवी और भी ज्यादा अच्छी होती, तो कुछ हटके अलग मूवी देखने का एक्सपीरियंस हुआ है मुझे पर्सनली। अगर आपको भी ये मूवी देखना, तो आप इस मूवी को जरूर देखना, लेकिन अगर आप अनुराग कश्यप को पसंद नहीं करते हो, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में अनुराग कश्यप के नाम पे बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, जिस वजह से काफी उनके हेटर्स बढ़ गए। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि फिल्मों को फिल्मों के नजरे से देखो, कौन उसको बना रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने फिल्म में क्या बताया, वो कितनी सच्चाई बता रहा है, कितना झूठ बता रहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस फिल्म की काफी चीजें मुझे ऐसी रियल लगी, और काफी कुछ चीजें फिक्शनल होती, क्योंकि फिल्मों को एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाया था। तो उसके अलावा इस फिल्म में आपको ऐसी कोई भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेगा, जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो, तो यार पूरी तरह से फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, और कुछ यूनिक मूवी है। तो देखना तो देखो, नहीं देखना तो आपकी मर्जी, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा स्पॉयलर्स देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो बताने को तो बहुत कुछ बता सकता रहा। टिल देन, बाय।